प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेसिकली आने वाले दिनों में मैं जो क्लासेस लेने जा रहा हूं, उसकी भूमिका है। भूमिका के रूप में सबसे पहले तो मैं दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 15वां पद आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा तिमोथी 2:15, दूसरा तिमोथी 2:15 हमको याद दिलाता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें दो प्रकार के लोग हैं। एक जो प्रचारक लोग हैं या विभिन्न मंडलियों के लीडर्स हैं, उनको विशेष रूप से प्रभु और प्रभु का वचन याद दिलाते हैं कि यदि हम अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और यदि इस तरह का काम करने वाले ठहराना चाहते हैं जो लज्जित ना हो पाए, तो हमें सत्य का वचन ठीक रीति से काम में लाना होगा। यहाँ लज्जित ना होने पाए का जो रेफरेंस है, वो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके अलावा इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय से है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय हमको याद दिलाता है कि एक दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा कि नींव के ऊपर हमने क्या किया है। अच्छा, उसके बाद इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय भी यही हमको याद दिलाता है कि हम किस तरह का फल लाते हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो एक समय ऐसा आएगा जब
मंडली में जिनको प्रभु ने अगुवाई की जिम्मेदारी दी है, लीडरशिप पोजीशन दिया है, जो प्रचारक लोग हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, जो मंडली के अगुए हैं, या इवन अगुआ ना होते हुए जो लोग मंडली में जैसे संडे स्कूल पढ़ाते हैं या अन्य काम करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, उन सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। और उस दिन जब हम हिसाब देंगे, तब यदि लज्जित ना हो और यदि सत्य के वचन को यदि लज्जित ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाएं। इसका मतलब यह हुआ कि कल को जब हम प्रभु को अपना हिसाब देंगे, खासकर जो लोग चर्च के लीडरशिप में हैं, वे लोग हिसाब देंगे, तो मुख्य रूप से जो बात देखी जाएगी वो ये बात यह है कि हम सत्य के वचन को किस रीति से काम में लाते हैं। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए, ऐसा क्यों कहा है यह देखना जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो चर्च में किसी भी तरह का लीडरशिप पोजीशन जिनके हाथ में नहीं है, शायद उन लोगों को लगेगा कि यदि ये जो ट्रेनिंग है और ये जो आज्ञा है, ये उन लोगों के लिए है जो लीडरशिप पोजीशन में है, और इसलिए मेरे लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। प्रभु अपने जो दास हैं और प्रभु ने जिनको चर्च की अगुवाई दी है, उनसे बहुत कड़ाई से हिसाब मांगते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अन्य लोग ऐश कर सकते हैं, नहीं, हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा। और प्रभु का वचन ठीक रीति से काम लाना, ये प्रभु के हर बच्चे की जिम्मेदारी है। इस बात को याद दिला के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहाँ ये लिखा हुआ है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, तो इसका मतलब यह है क्या कि सत्य के वचन को गलत रीति से काम में लाया जा सकता है? उसका उत्तर है जी हाँ, सत्य के वचन का गलत तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति में, जब सर्प स्त्री के पास आया और बहुत चालाकी से स्त्री से पूछा कि क्यों भैया, सुनते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बगिया है, इसमें किसी भी फल को मत खाना, ऐसा प्रभु ने कहा है क्या? बहुत चालाकी से उसने जो प्रश्न पूछा, हम जानते हैं कि स्त्री उस प्रश्न में गिर गई और उसने जवाब दिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मिडिल में जो पेड़ है उसके बारे में ही प्रभु ने निषेधाज्ञा दी है। तब सर्प ने स्त्री को जवाब दिया, प्रभु आप जानते हैं कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये क्या है? प्रभु ने मनुष्य को जो वचन दिया था, जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का गलत तरीके से व्याख्यान करके मनुष्य को सही से गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के बदले सत्य के वचन को गलत रीति से काम में लाया जा सकता है प्रभु के वचन की गलत व्याख्या के द्वारा। प्रभु के वचन में इसके बहुत सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं आज ऐसे उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जो हम सबकी याद में है, हम सबको एकदम से याद आ जाए। प्रभु यीशु जब संसार में पधारे थे, आपको याद होगा प्रभु ने 40 दिन का उपवास किया था। उपवास करने के बाद प्रभु को बहुत जोर से भूख लगी, और जब प्रभु को बहुत जोर से भूख लगी तो शैतान प्रभु के पास आया और शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली। तो शैतान ने कहा कि ये जो पत्थर तुम्हारे सामने है, इसको रोटी बना दो। तो प्रभु ने उसका जवाब अपने वचन से दिया। प्रभु ने जवाब दिया कि लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन उस वचन से भी जो प्रभु से आता है जीवित रहेगा। तुरंत शैतान ने क्या किया, एक ऊंचे स्थान पर प्रभु को ले जाके खड़ा किया और बोला कि वहां से अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। सी, जब प्रभु ने प्रभु के वचन का
हवाला दिया तो तुरंत शैतान ने भी प्रभु के वचन का हवाला दिया और बोला, लिखा है कि पिता स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि तुमको थाम ले जिससे तुम्हारे पैर में ठेस ना लगे। ये प्रभु के वचन की गलत व्याख्या थी और प्रभु यीशु ने उसका उत्तर दिया कि हाँ, लेकिन ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो प्रभु यीशु और शैतान जब प्रभु के उपवास के बाद आपस में बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं शैतान किस तरह से प्रभु के वचन को लेकर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाता हो, तो उसके प्रभु के वचन के कहने का मतलब यह है कि सत्य के वचन का गलत उपयोग हो सकता है, जाने हो सकता है, अनजाने भी गलत उपयोग हो सकता है, और इस कारण सत्य के वचन का सही उपयोग होना चाहिए। प्रभु के वचन से जो उदाहरण दिए उसके अलावा जो प्रैक्टिकल मसीही जीवन है उससे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और वहां चर्चा हो रही थी कि लॉटरी टिकट लेना उचित है या गलत है। तुरंत एक व्यक्ति ने नीति वचन में से, मेरा अनुमान है नीति वचन में से, एक पद पढ़ के सुनाया कि जब चिट्ठी डाली जाती है तो उसका परिणाम प्रभु की ओर से निकलता है। तो उसने कहा कि लॉटरी टिकट क्या है, चिट्ठी डाली जा रही है कि उसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो आता है प्रभु की तरफ से है, इसलिए विश्वासियों को लॉटरी टिकट लेने में या खरीदने में कोई गलती नहीं है, मतलब गैम्बलिंग में कोई गलती, जुआ खेलने में कोई गलती नहीं है, लॉटरी टिकट जुआ नहीं है। ये मनुष्य परमेश्वर के वचन को किस तरह से गलत व्याख्या करता है। वो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां जो मुख्य वक्ता थे उनको ये अलग से संदेश के साथ अलग से बताना पड़ा कि प्रभु के वचन में जो चिट्ठी डालने की बात हो रही है ये जुआ खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि पुराने जमाने में, पुराने नियम के समय में किसी बात को तय करने के लिए जो करते थे रेफरेंस उसके बारे में। तो आज प्रभु के जो बच्चे, प्रभु के जो दास प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वे इस बात को याद रखें कि प्रभु के वचन को गलत तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु के वचन को ठीक रीति से काम में लाएं, और यदि प्रभु का वचन ठीक रीति से काम में लाना है तो हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु के वचन को बहुत ही व्यवस्थापित तरीके से हम पढ़ें, प्रभु के वचन का अध्ययन करें। आने वाले दिनों में प्रभु ने मदद की तो पहला विषय जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो यह है कि प्रभु के वचन की व्याख्या कैसे करें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के वचन की व्याख्या सही ना हो तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। आप पूछेंगे कि जॉनसन ब्रदर, ऐसा हो सकता है क्या, कोई प्रभु के वचन की गलत व्याख्या कर सकता है क्या? जी हाँ, मैं उसके दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु की जीवनी जब हम देखते हैं तब प्रभु के सूली पर चढ़ाए जाने या प्रभु को धोखे से पकड़वाए जाने से पहले एक घटना हम देखते हैं कि प्रभु एक गधे के ऊपर यात्रा करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। घटना हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आजकल तो गधे के ऊपर कोई यात्रा नहीं करता है, लेकिन जो बच्चे गधों पे ईंट और अन्य चीजें लाद के ले जाते हैं, कई बार वो थक जाते हैं तो गधा जब वापस आता है तो उस पे बैठ के यात्रा करते हैं। ये आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है। लेकिन प्रभु यीशु के समय में फिलिस्तीन में शक्तिशाली हट्टे कट्टे गधे मनुष्य की सवारी के लिए भी यूज किए जाते थे। तो प्रभु एक गधे के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश कर गए। उसके बारे में एक व्याख्यान मैंने सुना कि गधे के चार पैर हैं, जो एक विश्वासी के जीवन की चार महत्वपूर्ण बातों को प्रदर्शित करती हैं, मतलब प्रार्थना, विश्वासियों के साथ संगति और इस तरह की चार बातें। सवाल यह है कि यदि गधे के चार पैर इस तरह की बातों को बताते हैं तो गधे का सर काहे को दिखाता है, गधे की पूंछ किस बात को दिखाती है,
हृदय की आंखें किस बात को दिखाती है? अरे प्रभु के वचन में कोई बात लिखी है तो उसका सही सही व्याख्यान करने के बदले अपनी कल्पना की उड़ान उड़ रहे हैं, यह गलत है। प्रभु का वचन मनमाने व्याख्यान के लिए नहीं है। एक और व्याख्यान जो अक्सर सुनाई देता है वो यह है कि सुलेमान प्रभु यीशु का एक चित्र था। अक्सर लोग ये श्रेष्ठ गीत में से मेरा प्रिय हजारों में मनोहर है, सर्वोत्तम है, और उसके बाद फिर उस पद की व्याख्या ये देते हैं कि ये प्रभु यीशु के बारे में है। यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं कि श्रेष्ठ गीत में स्त्री सुलेमान के बारे में बोलती है कि मेरा प्रिय सर्वोत्तम है। सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसकी 700 रानियां और उसके अलावा 300 पट रानियां थी। प्रभु यीशु की सिर्फ एक दुल्हन है, हजार नहीं। ये बात मैं याद दिला दूं, सुलेमान की 700 तो रानियां थी, 300 पटरानियां, पटरानी का मतलब जिससे शादी नहीं की, और बिना शादी के एक स्त्री के साथ यदि कोई व्यक्ति रहता है तो प्रभु का वचन उसको व्यभिचार की कैटेगरी में रखता है। तो वो 300 स्त्रियों से व्यभिचार करता था, 700 उसकी पत्नियां थी, जिसके जीवन में 1000 स्त्रियां हैं, उसकी तुलना प्रभु यीशु से यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अर्थ का अनर्थ ही नहीं, घोर अनर्थ करता है। और इस कारण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन वचन की व्याख्या जब हम करते हैं तो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है, मन माना नहीं, ये बताकर आगे बढ़ता हूं। सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि पवित्र बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं उनमें जो इतिहास दिया गया है उसकी एक रूपरेखा हमारे मन में हो। इसका एक कारण है, हर प्रस्ताव प्रस्ताव की एक पृष्ठभूमि होती है। यदि पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तो प्रस्ताव को हम नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए एक आदमी बॉस के पास जाके कहता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। भैया काहे के लिए छुट्टी चाहिए? मैं जरा घूमना फिरना चाहता हूं, उसके लिए मुझे जाने के लिए अनुमति दीजिए। बॉस कहता है नहीं नहीं यहाँ ऑफिस में बहुत काम है और इस समय तुम चले जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी। वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है, तीसरी बार रिक्वेस्ट करता है, चौथी बार बॉस गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम जा सकते हो। बस जैसे ही बॉस गुस्सा होके उससे जाने को बोलता है वो तुरंत घूमने फिरने के लिए चला जाता है। कोई पूछे कि भैया बॉस ने तुमको अनुमति नहीं दी है, तो तुरंत उसका जवाब होता है बॉस ने ही तो कहा था कि तुम जा सकते हो। मैंने बॉस से पूछा कि सर मैं जा सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा तुम जा सकते हो, इसलिए मैं घूमने फिरने चला गया। जब उससे पूछते हैं कि भैया कंप्लीट स्टेटमेंट बताओ बॉस ने तुमसे क्या कहा, तो कंप्लीट स्टेटमेंट यह है कि यहां खड़े होकर बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम यहां से जा सकते हो। यह है स्टेटमेंट। उसने उसमें से एक पोर्शन टुकड़ा काट के तुम जा सकते हो, बॉस ने कहा मैं जो है छुट्टी पे जा रहा हूं। प्रभु के वचन को लेकर इसी तरह से मन माना प्रेजेंट करना हम करते हैं। जैसा मैंने कहा, उसने कहा, बॉस ने कहा कि हाँ हाँ मैंने जाके पूछा मैं छुट्टी के लिए छुट्टी पे जा सकता हूँ क्या? बॉस ने कहा जा सकते हो। जी नहीं, बॉस ने ऐसा नहीं कहा था। बॉस नाराज होके, बॉस ने ये कहा था कि तुम यहां से जा सकते हो। इसी तरह से कोई भी प्रस्ताव है उसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। आज मैं आपके सामने बाइबल की पृष्ठभूमि एक कहानी के रूप में रखना चाहता हूं। यहां जितने जो अडल्ट्स हैं वे लोग उसको ऐतिहासिक सत्य के रूप में समझें, जो बच्चे हैं वो लोग संपूर्ण बाइबल की कहानी सुन रहे हैं ये समझकर इस बात को सुने। अपन जानते हैं कि बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। अपन ये भी जानते हैं कि इन 66 पुस्तकों को लगभग 40 लोगों ने लिखा था। अपन इस बात को भी जानते हैं कि इन 66 पुस्तकों को
लगभग 1,500 सालों में लिखा गया था। सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति की रचना लगभग प्रभु यीशु के समय से लगभग 1450 साल पहले हुई। बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसकी रचना लगभग 70 ईस्वी के आसपास हुई। तो कुल मिलाकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक याद रखने में आसान एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 1,500 सालों में इन पुस्तकों की रचना हुई। इन पुस्तकों में क्या इतिहास पाया जाता है, ये आज एक स्टोरी कहानी के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति से लेकर एस्तर तक की पुस्तक में मनुष्य की सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु के समय से लगभग 400 साल, मैं जो संख्या बोल रहा हूं उसका विशेष ख्याल रखें, याद रखने की सुविधा के कारण मैं ये संख्याएं आपके सामने रख रहा हूं। एग्जैक्ट संख्या आपके सामने रखने के बदले लगभग संख्याएं बोल रहा हूं जो याद रखने में आसान है। उत्पत्ति से लेकर एस्तर की पुस्तक तक जब हम पहुंचते हैं तो मनुष्य की सृष्टि से लेकर लगभग प्रभु यीशु के समय से 400 साल पहले तक का इतिहास हम देखते हैं। ये इतिहास इस तरह से है, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, सृष्टि करके मनुष्य को जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु से सब कुछ पाने के बाद और प्रभु से प्रतिदिन संपर्क होने के बावजूद मनुष्य ने पाप किया। पाप करने के बाद मनुष्य ने उसको ये प्रॉमिस किया आदम और हव्वा को कि मैं तुम्हारे लिए मुक्तिदाता भेजूंगा, लेकिन मनुष्य नहीं सुधरा। उसका परिणाम क्या हुआ कि आदम से लगभग 1,500 साल के बाद मनुष्य के पुत्रों ने हम देखते हैं कि ईश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, जिसको जो चाहा ब्याह कर लिया, प्रभु को यह पसंद नहीं आया। मतलब जिस तरह का विवाह होना चाहिए उन विवाह बंधनों को उन लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया। तब परमेश्वर ने एक जल प्रलय भेजा जिसको अपन नूह का जल प्रलय बोलते हैं। कहने का मतलब नूह के जीवन में जो जल प्रलय आया था मनुष्य फिर नहीं सुधरा। जल प्रलय के बाद जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, प्रभु ने उनसे कहा था कि जाओ सारी दुनिया में फैल जाओ, सब जगह सेटल हो जाओ। मनुष्य जाना नहीं चाहता था, उसने क्या किया, बाबुल नाम की जगह पर एक बहुत ही ऊंचा टावर बनाने लगा जिससे कि आइंदा जल प्रलय आए तो उनको इधर उधर भागना ना पड़े। तब प्रभु ने उनकी भाषा में बुरी तरह से गड़बड़ी डाल दी थी। तब तक दुनिया के लोग एक भाषा बोलते थे। बाबुल का गुम्बद जब उन्होंने बनाया और प्रभु ने जब उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी तो भाषाएं बहुत ज्यादा हो गई। एक भाषा जो बोलता है वो दूसरे की भाषा नहीं समझता। इस तरह से जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे वो सब दुनिया में अलग अलग फैल गए। प्रभु ने कहा था कि दुनिया में फैल जाओ, वो नहीं फैलना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर उनको जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन उनसे करवाया। हम लगभग उत्पत्ति में 10वें अध्याय तक आ गए हैं। फिर प्रभु को लगा कि प्रभु का जो दिव्य संदेश है उसे मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए ये संदेश एक व्यक्ति और एक परिवार को दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ प्रभु ने एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया। आजकल जिस देश को अपन इराक बोलते हैं उस देश में एक बहुत ही उन्नत, उस जमाने के हिसाब से बहुत ही उन्नत एक शहर में एक आदमी को प्रभु ने ढूंढ निकाला जो प्रभु की आज्ञा सुनने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम। प्रभु ने कहा इब्राहिम अपना ये शहर, संपन्न शहर, अपना परिवार, अपना गांव सब छोड़कर उस दिशा में निकल पड़ो
जिस दिशा में मैं तुमको ले जाता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इब्राहिम का शहर इतना संपन्न था। 4,000 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं, इतना संपन्न था कि 4,000 सालों के बाद उस शहर के चारों तरफ जो दीवार थी, उस दीवार में जो ईंट, जिन ईंटों से बनाया गया था, उसको वहां आसपास के लोग खींच के ले जा रहे थे मकान बनाने के लिए। 4,000 साल के बाद के बावजूद वो ईंट ना तो टूटे थे ना नष्ट हुए थे। जरा सोचिए उनकी टेक्नोलॉजी क्या रही होगी। बाद में सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि 4,000 साल पुराना शहर पुरावस्तु डिपार्टमेंट के अंडर आता है। लेकिन प्रभु ने इब्राहिम को जिस शहर से बुलाया, वो इतना उन्नत शहर था, उसको छोड़कर, जिस समय डंबर की सड़कें नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, टॉर्च नहीं होते थे, अनजान दिशा में प्रभु इब्राहिम को ले गए, उन्नत शहर को छोड़कर तंबुओं में रहने लगा। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने इब्राहिम को सेलेक्ट किया था कि प्रभु का वचन एक व्यक्ति को सौंपे और वो व्यक्ति और उसका परिवार उस वचन को सारी दुनिया में सब लोगों के पास पहुंचाए। आज यदि प्रभु का वचन मेरे और आपके हाथ में, मेरी और आपकी भाषा में, उत्तम बाइंडिंग में उपलब्ध है, तो इसका आरंभ हुआ था जब प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि उस देश में जाओ, उस प्रदेश में जाओ जहां मैं तुमको ले जाता हूं। इब्राहिम को चूज किया। इब्राहिम का बेटा था इसाक, इसाक का बेटा था याकूब, और भी बेटे थे, लेकिन मैं उस लाइन को बता रहा हूं जिस जो वंश परंपरा है जिनको प्रभु ने अपने वचन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इब्राहिम, इसाक, याकूब और उसके बाद याकूब के 12 बेटे। जब हम प्रभु के वचन को, वचन में जो बातें, ऐतिहासिक बातें दी है, उन बातों को पढ़ते हैं, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु का वचन, प्रभु ने इस परिवार को बताया और इस परिवार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखित रूप में उस वचन को आगे पहुंचाया। इब्राहिम के समय में एक बहुत बड़ा एक इब्राहिम के आई एम सॉरी याकूब के जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे ने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसको प्रणाम कर रहे हैं। एक और सपना देखा, यूसुफ ने सपना देखा था। उसका रिजल्ट क्या हुआ? यूसुफ के भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया। उनको लगा कि यूसुफ मर खप जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने जानबूझकर यूसुफ को गुलामी में भेजा था जिससे कि मिस्र देश का महामंत्री बन जाए। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक के आखिरी अध्याय में आ गए हैं। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूं, ये उत्पत्ति की पुस्तक के आखिरी अध्यायों में है। यूसुफ मिस्र देश में महामंत्री बन गया। याकूब और याकूब के जो 11 बेटे थे, वे लोग जिस देश में थे वहां पर भयंकर अकाल पड़ा। फाइनली प्रभु याकूब और याकूब के पूरे परिवार को प्रभु ने इजिप्ट, मिस्र देश में शिफ्ट कर दिया। उसके साथ साथ उत्पत्ति की पुस्तक में जो इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य की सृष्टि से लेकर याकूब का परिवार मिस्र देश पहुंचा, ये पूरा इतिहास हमको उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उत्पत्ति की पुस्तक हमको इतनी जानकारी देता है। मिस्र देश में ये लोग लगभग, इसराइली लोग लगभग 400 साल रहे। लेकिन इसराइली लोग कभी इस बात को नहीं भूले कि हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतान है। ये लोग कभी इस बात को नहीं भूले कि प्रभु ने हमारे बाप दादा इब्राहिम को विशेष तरीके से बुलाया जिससे कि प्रभु का संदेश सारी दुनिया को सुनाए।
मिस्र देश के में वे लोग 400 साल जो रहे, इन 400 सालों में उन्होंने अपने इतिहास को लिखित रूप में सुरक्षित रखा। इसराइलियों की आदत थी, वो लोग तो जानवरों का मांस खाते थे, जानवरों की जो खाल है उसको कभी नहीं फेंकते थे, उसको लेकर अच्छी तरह से उसकी जो प्रोसेसिंग है करके घिस के चिकना शीट बना के टाट पट्टियों के समान, लंबी टाट पट्टियों के समान काट के बना के उस पे लिखते थे, अपना पूरा इतिहास लिखते थे और लिखकर चरखियों में उसको सुरक्षित रखते थे। मिस्र में लगभग 400 साल उन्होंने बिताए। उसके बाद परमेश्वर का समय आया कि उन लोगों को, उनके बाप दादा इब्राहिम को प्रभु ने जो प्रॉमिस दिया था उस देश में वापस ले जाए। तब परमेश्वर ने एक महान नायक को उभारा, उस महान नायक का नाम था मूसा। मूसा की कहानी निर्गमन बाइबल की दूसरी पुस्तक में आरंभ आरंभ से ही हम देखते हैं। हमको ये घटना सबको याद है कि किस तरह से प्रभु ने मूसा को उभारा। 40 साल की उम्र में जब मूसा बाहर आया, वो अपने लोगों की गुलामी को देखकर त्रस्त हो गया, वो उनको आजाद करना चाहता था, लेकिन उससे एक गलती हो गई। वो अपनी शक्ति से उनको आजाद करना चाहता था और इसलिए उसने हत्या कर दी। हत्या के कारण उस समय जो महाराज फिरौन था वो उसके पीछे पड़ गया और अपना अपने प्राण बचाने के लिए उसे भाग के मिद्यान जाना पड़ा, लेकिन इसके पीछे प्रभु की इच्छा थी। 40 साल उसने मिस्र देश में ट्रेनिंग लिया। याद रखिए, उस समय मिस्र देश दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश था। वहां पर मूसा ने लेखन कला, निर्माण कला, लीडरशिप, हथियार चलाना सब सीखा, सब कुछ सीखा। और चूंकि वो मिस्र का भावी बादशाह बनने वाला था, इसलिए उसने कम से कम आधा दर्जन भाषाएं, आधी दर्जन भाषाएं उसने सीखी होंगी। संभावना इस बात की है कि वो कम से कम एक दर्जन भाषाएं बोलता हो, क्योंकि मिस्र देश का बादशाह आसपास के सारे देशों के साथ संपर्क रखता था। 40 साल प्रभु ने इस तरह से महलों में उसको ट्रेनिंग दिया। उसके बाद 40 साल मरुभूमि में भेड़ों को चराने की ट्रेनिंग दी। आज जो लोग इस बाइबल स्कूल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनमें से जितने प्रभु के दास हैं, जो सेवक हैं, जो एल्डर्स हैं, मैं उनके याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई और बहनों, भेड़ों को चराना बहुत मुश्किल काम है। एक इधर जाती है, दूसरे उधर जाती है। मंडली में विश्वासियों की अगुवाई करना, उनको सही रास्ते पर ले जाना, इसी तरह से बहुत कठिन काम है। विश्वासियों को काट पीट के अलग करना बहुत आसान है। एक विश्वासी के जीवन में यदि कोई गलती होती है, उसको उठा के बाहर करना बहुत आसान है। नहीं, एक गडरिया जिस तरह से चोट पहुंची हुई भेड़ को दवा लगाकर उसको वापस लाता है, उसी तरह से जो लोग मंडली की अगुवाई करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी व्यक्ति को खो जाने से बचाएं। प्रभु ने मूसा को ये ट्रेनिंग, 40 साल ये ट्रेनिंग इसलिए दी कि उसके बाद अगले 40 साल प्रभु की जनता की अगुवाई करनी थी। और मिस्री लोग इतने, क्या कहना चाहिए थे, इतने नालायक और निकम्मे और मूर्ख लोग थे कि मूसा ने 40 साल जानवरों के साथ जो ट्रेनिंग लिया था, ये ट्रेनिंग उसके काम आई। आप में से जो लोग प्रभु की सेवा में है, आपकी जो पृष्ठभूमि है, प्रभु उसका उपयोग सेवा में करेंगे, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मूसा 40 साल जब मिद्यान में रहा, तब प्रभु ने कहा, जाओ मेरे बच्चे इसराइली लोग जो मिस्र देश में गुलामी में हैं, उनको छुड़ाओ। प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने 80 साल की उम्र में मूसा मिस्र देश में गया। फिरौन से कहा कि प्रभु ने कहा है कि मेरी जनता को छोड़ दो। फिरौन ने कहा, कौन जनता, किसकी जनता, कौन परमेश्वर? लेकिन हम जानते हैं
कि किस तरह से अद्भुत कार्यों को दिखाने और मिस्रियों पर 10 विपत्तियां डालने के बाद मिस्री लोगों ने इसराइली लोगों को जाने दिया। मूसा इसराइलियों को लेकर आगे बढ़ा। ये पूरी घटना हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। तो प्रभु के वचन की जो 66 पुस्तकें हैं उसमें उत्पत्ति, निर्गमन, उसके बाद लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, तीन पुस्तकें आती हैं। इन पुस्तकों में हम देखते हैं कि मिस्री लोग, इसराइली लोग जब मूसा की अगुवाई में आगे बढ़े तो प्रभु से सब कुछ पाने के बावजूद उन्होंने प्रभु के विरुद्ध बलवा किया। फाइनली उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कनान देश में तुरंत पहुंचने वाले थे, प्रभु ने 40 साल तक उनको वहां पहुंचने नहीं दिया और जितने लोगों ने प्रभु के विरुद्ध बलवा किया था सब के सब मर मिटे। 20 साल की उम्र से 20 की उम्र से ऊपर की उम्र के जितने लोग थे। ये सारी घटना अपन देखते हैं, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण के आखिर में आते आते मिस्र देश से निकले हुए 40 साल हो गए, एक नई पीढ़ी है जो मिस्र से जब वो लोग निकले थे तब 20 साल या उससे कम के लोग थे। अब मूसा का भी समय समाप्त हो जाता है। अगला लीडर है यहोशू। यहोशू की पुस्तक में यहोशू के जीवन के बारे में देखते हैं। मूसा के बाद प्रभु के बच्चों की अगुवाई की यहोशू ने और उन्होंने यरदन नदी को पार करके कनान में प्रवेश करके कनान को एक एक प्रदेश को किस तरह से अपने कब्जे में ले लिया। प्रभु ने इब्राहिम से प्रॉमिस किया था, सैकड़ों साल पहले इब्राहिम से प्रॉमिस किया था, यहां से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहां तक मैं तुमको और तुम्हारी संतानों को देता हूं। यहोशू की अगुवाई में धीरे 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 प्रभु ने उनसे जो प्रॉमिस किया था वो पूरा प्रदेश लगभग उनके कब्जे में आ गया। यहोशू की पुस्तक के आखिर में हम देखते हैं कि लगभग कनान के काफी प्रदेशों को कब्जे में लाने के बाद यहोशू गुजर जाता है। इसके बाद हम आते हैं न्यायियों की पुस्तक में। यहोशू के जाने के बाद प्रभु ने कोई एक लीडर नहीं रखा बल्कि प्रभु स्वयं लोगों के लीडर थे। मनुष्य आज तक यहोशू के समय तक मनुष्य ने उनकी अगुवाई की या मनुष्य ने उन पर शासन किया। यहोशू के बाद प्रभु का राज्य था। एक्चुअली सही कहा जाए तो कनान प्रवेश करने के समय से प्रभु का राज्य था, लेकिन कम से कम प्रभु ने एक लीडर रखा था। यहोशू के बाद लीडर्स खत्म हो गए। उसके बाद न्यायियों की पुस्तक में हम देखते हैं जब जब जरूरत होती थी तब तब प्रभु एक एक करके न्यायियों को उभारते थे और ये न्यायी लोग जनता का न्याय करते थे। लेकिन न्यायी लोगों में सबसे आखिर में जो न्यायी लोग आए वे स्वयं इतने निकम्मे थे कि फाइनली जनता ने कहा कि हमें ईश्वर का राज्य नहीं चाहिए, हमें एक राजा चाहिए जिस तरह से हमारे आसपास हम देखते हैं अन्य सभी देशों के ऊपर लोग राज्य करते हैं। शमूएल नाम के भविष्यवक्ता के बारे में हम देखते हैं। शमूएल ने लोगों से कहा कि देखो बच्चों, तुम लोग जो मांग कर रहे ये अच्छा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा हमको एक राजा चाहिए। इस तरह से शमूएल के प्रभु ने शमूएल को जो गाइडेंस दिया था उस हिसाब से शमूएल ने इसराइलियों का पहला राजा प्रदान किया जिसका नाम है शाऊल। लेकिन शाऊल ने सत्ता में आने के बाद प्रभु से बलवा किया। प्रभु ने एक और राजा को चुना, दाऊद। दाऊद ने भी जीवन में कुछ गड़बड़ किए लेकिन इसराइल में जितने राजा हुए उसमें जो राजा प्रभु से एकदम निकट रहा वो था दाऊद। इसलिए प्रभु ने दाऊद से प्रॉमिस किया कि दाऊद तुम मेरे हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति हो, इसलिए इसराइल का जो इसराइल की सत्ता है, जो रूल है, वो सदा सर्वदा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे परिवार के हाथ में होगा। आपको ये बात
याद होगी कि प्रभु यीशु दाऊद की संतान है। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में इस संसार का राज्य करेंगे। भविष्य में प्रभु ने दाऊद से जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस प्रभु यीशु के द्वारा पूर्ण होता है। दाऊद के बाद दाऊद का पुत्र सुलेमान सत्ता में आया। सुलेमान को प्रभु ने दर्शन दिया और पूछा क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रभु ने उसको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, शक्ति दी, धन दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उसने 700 स्त्रियों से विवाह किया। सी लेवीय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण इस बात को याद दिलाते हैं कि जो अगुआ है, मतलब जो राजा लोग हैं, बहु विवाह ना करें। लेकिन उसने ना केवल बहु विवाह किए, एक या दो स्त्रियों के बदले 700 स्त्रियों से विवाह किया। और उसमें मुख्य थी मिस्र देश की राजकुमारी। मिस्र वह देश है जहां वो लोग गुलामी में रहे थे, उससे छूट कर आए थे। उस देश में वापस जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मिस्र की राजकुमारी के लिए राजकुमारी से शादी की, 700 स्त्रियों से शादी की, और जब मन नहीं भरा तो 300 और स्त्रियां उसने रख ली जिनसे शादी नहीं की। परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम को चुनकर प्रभु ने इब्राहिम को जो प्रॉमिस दिया था, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, उस जाति में लोगों की संख्या ऐसी होगी समुद्र में जो बालू है, यदि कोई उसको गिन सकेगा तो तुम्हारी तुम्हारे वंशजों को गिन सकेगा। उस जाति को प्रभु ने कनान देश का रूल दिया, शासन दिया, धन दिया, धान्य दिया, सब चीजों से भरपूर किया। लेकिन सुलेमान का घोर पाप जो हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सुलेमान का पुत्र रहोबियाम जब सत्ता में आया, परमेश्वर के बच्चे 12 गोत्र दो भागों में बट गए। यह एक दो बातें मैं याद दिलाना चाहता हूं। सुलेमान की यहूदी पत्नियां थी, लेकिन अपनी यहूदी पत्नियों में से किसी एक को राजा बनाने के बदले उसने एक गैर यहूदी पत्नी के बेटे को राजा बनाया। प्रभु अनंत काल से लेकर अनंत काल तक प्रभु की एक योजना है, उस योजना में हम सबका उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी लापरवाही के द्वारा प्रभु की योजना में अड़चन पैदा करते हैं। सुलेमान ने ऐसा ही किया। उसने एक यहूदी स्त्री के बेटे को अगला राजा बनाने के बदले एक गैर यहूदी स्त्री के बेटे को बनाया। इतना घमंडी और नीच था कि सत्ता में आया और सत्ता में आने के थोड़े ही समय के बाद प्रभु की जनता, प्रभु के बच्चे दो भागों में बट गए। उसमें से एक भाग का नाम था, एक भाग को प्रभु के वचन में कहा जाता है यहूदा, एक भाग को कहा जाता है इसराइल। उसके बाद आज तक ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूं ये प्रभु यीशु से 1000 साल पहले की बात है। उसके बाद आज तक इसराइली जिनको प्रभु ने अपनी जनता के रूप में चुना था वे कभी एक नहीं हुए, दो ग्रुप हैं। ये सारी घटना जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम देखते हैं पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, दूसरे राजा के आखिर में आते आते जो दो ग्रुप में बट गए थे यहूदा और इसराइल, उनके जीवन में क्या हुआ ये भी मैं याद दिला दूं। इसराइल में एक भी भक्त राजा नहीं हुआ। लगभग 700 ईस्वी में सारे इसराइली गुलामी में चले गए। यहूदा में कुछ अच्छे राजा हुए,
जिसके कारण यहूदा के लोग और 100 साल प्रभु की तरफ रहे, लेकिन एवेंचुअली वे लोग भी गुलामी में चले गए। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि इसराइल 1948 के आसपास इसराइल को आजादी मिली, लगभग 2500 साल इसराइली लोग अन्य देशों में गुलाम रहे, प्रभु ने उनको सजा दी। दूसरा इतिहास, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास इस घटना का के बीच में ये पुस्तकें आती हैं। थोड़े से समय के लिए प्रभु ने अपने लोगों को, यहूदा के लोगों को वापस जाने दिया। उस समय लिखी गई पुस्तकें हैं पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इज़रा, नहेमिया, एस्तर। लेकिन वापस जाने के बावजूद वो लोग नहीं सुधरे, प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया। ये जो आदम से लेकर एस्तर की पुस्तक का जो इतिहास है, इस इतिहास के दौरान प्रभु के बच्चे काव्य की जो पुस्तकें यूज करते थे, ये काव्य की पुस्तकें हैं अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक। इन पुस्तकों में इतिहास नहीं है, इनमें गाने हैं, यहूदियों के गाने, गीत और काव्य है जो उत्पत्ति से लेकर एस्तर की पुस्तक के दौरान लिखे गए थे। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल और उसके बाद मलाकी तक। प्रभु ने कभी भी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनको प्रोत्साहित करने के लिए, वापस बुलाने के लिए भविष्यवक्ता भेजे। इन भविष्यवक्ताओं ने जिन पुस्तकों की रचना की, ये है यशायाह से लेकर मलाकी तक। मलाकी आखिरी भविष्यवक्ता था। उसके बाद 400 साल प्रभु ने ना तो कोई भविष्यवक्ता भेजे, न ही अपना वचन दिया। अब हम आ गए हैं पुराने नियम के आखिर तक, मनुष्य की सृष्टि से पुराने नियम के आखिर तक। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक के बाद 400 साल गैप रहा, उसके बाद प्रभु यीशु संसार में पधारे। प्रभु संसार में पधारे 30 साल की उम्र में, प्रभु ने सेवा कार्य आरंभ किया। 33.5 साल की उम्र में प्रभु मृत्यु से जी उठे, स्वर्गारोहण कर गए। ये इतिहास हम देखते हैं मत्ती से लेकर यूहन्ना के 4 ग्रंथों में। प्रभु के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद, जब यहूदियों का 50वां दिन जिसे कहते हैं, पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन, सबत के बाद 50वां जो दिन था, उस दिन प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा और ये युग जिसमें हम जी रहे हैं इसका आरंभ किया, जिसको चर्च एज, कलीसिया युग या मंडली युग या कृपा युग कहा जाता है। इस युग के आरंभ का इतिहास हमको मिलता है प्रेरितों के कामों का वर्णन। प्रेरितों में हम देखते हैं किस तरह से पवित्र आत्मा पधारे, किस तरह से मंडली का आरंभ हुआ, किस तरह से प्रभु ने प्रेरितों को नियुक्त किया जो प्रभु के वचन को लेकर सारे संसार में जाएं, किस तरह से प्रभु ने एक घोर हत्यारे शाऊल को पकड़ लिया और किस तरह से उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने अपना शुभ संदेश लिखित रूप में विश्वासियों को दिया। और भी कई लोगों ने लिखा है, याकूब ने लिखा है, पत्रस ने लिखा है, लेकिन नए नियम में उपदेश संबंधित सबसे अधिक ग्रंथ पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाए हैं। तो इस तरह से प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कलीसिया का आरंभ हुआ और लगभग 70 ईस्वी होते होते बाइबल की सारी पुस्तकें लिख दी गई। बाइबल की आखिरी पुस्तक 70 ईस्वी के आसपास आखिरी पुस्तक की रचना हुई। इसके साथ साथ बाइबल क्लोज हो जाता है, लेकिन मनुष्य का इतिहास क्लोज नहीं होता है। दानियल की पुस्तक में प्रभु ने उस समय जो महाराजा था उसको एक दर्शन दिया था। एक बड़ी मूर्ति है जिसका सर सोने का है, धड़ चांदी का है। उसमें प्रभु ने यह बताया था कि इस संसार के बारे में मेरा क्या प्लान है। यही प्लान नए नियम में काफी विस्तार से दिया हुआ है। उस प्लान में हम जो सुनते हैं वो इस तरह से है,
जब तक हम उस प्लान को भी नहीं सुनेंगे तब तक बाइबल की कहानी समाप्त नहीं होती है। उस प्लान में बताया गया है कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चर्च एज में, जब विश्वासी लोग चर्च एज जब आगे बढ़ेगा, तब प्रभु ने जो समय नियुक्त किया है उस समय प्रभु वापस आएंगे। तिसलुनी की पत्री में इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, पहला कुरिंथियों के आखिर में इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जब इन चीजों का अध्ययन करते हैं तब उससे पता चलता है कि बहुत जल्दी ही प्रभु वापस आएंगे। प्रभु ने अपने वापस आने के लक्षण बताए थे, ये लक्षण एक एक करके हमारे सामने कंप्लीट हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कब आएंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु कभी भी आ सकते हैं इस बात को याद करके भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे। प्रभु के वापस आने के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल प्रभु के वचन में दिए गए हैं, जिसका सारांश मैं आपको बता के समाप्त करना चाहता हूं। डिटेल इस तरह से है, बहुत जल्दी ही प्रभु आएंगे। कहां आएंगे? मध्य आकाश में आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी, और जब प्रभु मध्य आकाश में आएंगे तुरही फूंकी जाएगी, तब चर्च एज में, इसके पहले के लोग नहीं, चर्च एज में जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो गुजर गए हैं, वे पुनर्जीवित हो जाएंगे, और हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं से मेरा तात्पर्य यह है, मेरी इच्छा है प्रभु मेरे जीवन काल में आप आ जाएं। तो चर्च एज में जो गुजर गए हैं और जो जीवित हैं वे सब रूपांतरित हो जाएंगे। रूपांतर के बारे में इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, उस रूपांतर के साथ साथ हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है हटा दिया जाएगा, हमारा जो नश्वर शरीर है वो अनश्वर शरीर को प्राप्त कर लेगा, और हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। प्रभु ने मदद की तो ये जो बाइबल स्कूल है इसमें कोई ना कोई टीचर प्रभु के आगमन के बारे में आपको विस्तार से अपने वचन से बताएंगे। मैं अभी रूपरेखा बता रहा हूं, प्रभु आएंगे मध्य आकाश में आएंगे, चर्च के एज के जो विश्वासी गुजर गए हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगे, जो जीवित हैं वे रूपांतरित हो जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में मध्य आकाश में पहुंचेंगे, बाकी सारे लोग पृथ्वी पर रहेंगे। मध्य आकाश में 7 साल लगेगा, विश्वासियों का न्याय होगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के और इब्रानियों 6 अध्याय के अनुसार अग्नि के द्वारा हमारा न्याय होगा, हमको प्रतिफल दिया जाएगा। 7 साल के अंत में प्रभु मध्य आकाश से पृथ्वी पर आएंगे। आप पूछेंगे ये 7 साल पृथ्वी पर क्या होगा? ये 7 साल पृथ्वी पर भयानक पीड़ा का समय होगा, एक बहुत बड़ा मानसिक नायक उठेगा जो सारे दुनिया का एकमात्र शासक होगा। उसको अक्सर अंग्रेजी में एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, हिंदी में ख्रिस्त विरोधी कहा जाता है। वो इस ये नियम बनाएगा कि जो उसकी सेवा नहीं करते उनको भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, एजुकेशन नहीं, बाजार में वो कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि ये जो दुनिया का एकमात्र डिक्टेटर, जो इस 7 साल का जो महाविपत्ति का काल होगा उसमें उठेगा, वो लोगों के माथे पर और लोगों के हाथ पर सील देगा, बिना उस सील के कोई भी व्यक्ति भोजन वस्त्र कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। इसकी तैयारियां हो रही है भाई लोगों, इस तरह के सील वगैरह की तैयारी सारी दुनिया में चल रही है। आप जब दुकान जाते हैं सुपरमार्केट में, जब बारकोड आपका स्कैन होता है, वो इस बात की टेक्नोलॉजिकल तैयारी है। पता नहीं आप जिन गांव में रहते हैं वहां पे टोल है या नहीं है। मैं यहां से जब क्लासेस वगैरह लेने के लिए जाता हूं तो 2 या 3 चुंगी नाके से होकर गुजरना पड़ता है, टोल टैक्स से होकर गुजरना पड़ता है, और हर जगह चुंगी देनी पड़ती है। लेकिन अब जब आप उसमें से गुजरते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता,
गाड़ी पे एक स्टिकर चिपका हुआ है, और जिस तरह से मोबाइल में आप पैसा भरते हैं उस स्टिकर में पैसा भरना होता है, और जब टोल से आप और गुजरते हैं तो वो अपने आप स्कैन कर लेता है और पैसा जो है उसमें से ले लेता है, और यदि स्कैन करते समय पता चलता है पैसा नहीं है तो आपको दुगना या तिगना पैसा वहां आगे जाके भरना पड़ेगा। ये सब उस युग की तैयारी है जब ख्रिस्त विरोधी आपके माथे पर, आपसे आपसे मेरा मतलब है उस समय जो लोग होंगे दुनिया में उनके माथे पर या हाथ पे चिन्ह होगा, उस चिन्ह के बिना कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। दुनिया में प्रभु के बच्चों के लिए इतनी पीड़ा का समय, जब लाखों लोग प्रभु यीशु पर विश्वास के कारण शहीद हो जाएंगे। प्रभु के वचन में कहा गया है कि उस समय प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए 144,000 प्रचारक भेजे जाएंगे। वे लोग प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनेंगे, और उस शुभ संदेश के द्वारा जो लोग प्रभु के पास आएंगे उनमें से लगभग सभी अपने विश्वास के लिए शहीद हो जाएंगे। लेकिन 7 साल के बाद जब प्रभु मध्य आकाश से पृथ्वी पर आएंगे, तब पृथ्वी का ये जो शासक है ख्रिस्त विरोधी, वो करोड़ों लोगों की सेना के साथ प्रभु का विरोध करने के लिए उठेगा। प्रभु का वचन बताता है प्रभु अपने वचन से उन सबको समाप्त कर देंगे। उसके बाद 1,000 वर्ष का राज्य आरंभ होगा। प्रभु जिस तरह का राज्य चाहते थे, क्यों इस 1,000 सालों में इस दुनिया का एकमात्र शासक कौन होगा? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, वो भविष्य अधिक दूर नहीं है जब प्रभु यीशु वापस आकर मुझे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। न्याय होने के बाद प्रभु वापस आकर दुनिया में जो डिक्टेटर है उसको समाप्त कर देंगे, सारे अविश्वासियों को यहां से हटा देंगे। इस दुनिया में जितने विश्वासी बचेंगे उस समय, चर्च एज के विश्वासी नहीं, ये मैं याद दिला दूं, दुनिया में जो बचेंगे उन लोगों को लेकर वो सहस्त्र वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे, और उस सहस्त्र वर्ष के राज्य में दुनिया ने आज तक जो देखा है उसमें सबसे परफेक्ट राजाधिराज राज्य करेंगे। उस राजाधिराज के राज्य में मैं और आप जो चर्च एज के विश्वासी है, हम उस राजाधिराज के दास होंगे जिससे कि इस दुनिया में सही रीति से शासन हो। इस 1,000 वर्ष के शासन के बाद ये जो पृथ्वी और आसमान है ये समाप्त हो जाएगा। प्रभु का वचन याद दिलाता है इस 1,000 वर्ष के शासन के बाद शैतान को एक और अवसर दिया जाएगा जब वो प्रभु के विरुद्ध युद्ध करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए शैतान को जंजीरों में बांध कर नित्य नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक और न्याय होगा, उस न्याय को श्वेत सिंहासन का न्याय कहा जाता है, जहां सब लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे। न्याय होगा, जो पापी हैं वो नित्य नरक में भेजे जाएंगे, पुराने नियम के सारे विश्वासी जो हैं वो प्रभु के साथ जाएंगे। उसके साथ साथ आज हम ये जो आसमान और पृथ्वी देख रहे हैं, नया आसमान और नई पृथ्वी हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये है आदम से लेकर जो भविष्य में होने वाला है उसका इतिहास एक कहानी के रूप में मैंने आपके सामने रखा। इसमें उपदेश विषय रोमियों से लेकर यहूदा की पत्री में देखते हैं, और भविष्य की जो घटनाएं हैं वो पहला कुरिन्थियों में मिलती है, तिस्लोनिकियों में मिलती है, और उसके अलावा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलती है। ये हमारी आशा है कि हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे, लेकिन इसकी तैयारी के रूप में प्रभु के वचन को सही रीति से सीखना, सही रीति से काम में लाना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु ने मदद की तो इससे संबंधित अन्य विषय आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज प्रभु ने ये जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो।